हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके से गोभी आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने अपनी गोभी को साफ़ करके डाल दिया है। और यहाँ पे मैं 5-6 आलू धो के साफ़ करके रख लूँगी, लंबे लंबे पीसेस में काटूँगी। यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, टमाटर लिया है, अदरक, लहसुन, 3-4 हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने गोभी को कट कर लिया है अच्छे से। कट करने के बाद यहाँ पे मैं आलूओं को लंबा लंबा काट लूँगी। यहाँ पे सारी सब्जियाँ मेरी क्लीन हो चुकी हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे आलू धो के साफ़ कर लिए हैं मैंने। यहाँ पे लंबे लंबे काट के रखूँगी मैं। यहाँ पे मैं कुछ मसाला बनाऊँगी। वैसे मैं सिल बट्टे पे बनाती हूँ, पर आज मैं मिक्सी जार में बनाऊँगी। ददरा सा पीस लूँगी, उसमें डालूँगी। यहाँ पे मैंने 3 प्याज लिया है, प्याज को स्लाइस में काट लूँगी। और यहाँ पे 7-8 कली लहसुन के लिए मैंने 1 टुकड़ा अदरक का लिया है, बारीक काट के ये मिक्सी में डाल दूँगी। 3 प्याज लिया था मैंने यहाँ पे, ददरा पीस लूँगी। ये 2 टमाटरों की प्यूरी बनाऊँगी, ये डंठल हटा दूंगी मैं टमाटरों के। मिक्सी जार में डाल के मैंने पीस लिया है। यहाँ पे 3 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है, 1 चम्मच जीरा डाल दूंगी, 1 चुटकी हींग डाल दूंगी। जीरा तड़कने के बाद यहाँ पे मैंने प्याज का पेस्ट बनाया था वो डाल दूंगी, जिसमें मैंने 3 प्याज लिया था, 4 हरी मिर्च ली थी, 8-7 कली लहसुन की ली थी, 1 टुकड़ा अदरक का लिया था। इस मसाले को भुनने के बाद यहाँ पे थोड़ा मैंने पानी ऐड किया है, इससे कि प्याज का मसाला अच्छे से भुन जाए। ये 2 साबुत मिर्च डाली हुई है मैंने। देखना फ्रेंड्स कितना अच्छा टेस्ट आएगा इसका, आप ज़रूर बना के देखें। गोभी आलू की सब्ज़ी झटपट बन के तैयार होगी। अब यहाँ पे मैंने टमाटर प्यूरी बना ली है 2 टमाटरों की। मेरा मसाला लगभग भुन के तैयार है। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। ये मैंने प्यूरी ऐड कर दी है इसमें। अब यहाँ पे मैं कुछ मसाले डालूँगी, जैसे कि धनिया पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है कलर के लिए। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च डाली थी, इसीलिए मैंने लाल मिर्च कम डाली हुई है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी क्लीन करके रखी हुई थी, वो मैंने ऐड कर दी है। सारी सब्जियाँ ऐड करने के बाद मैं अच्छे से चलाऊँगी। चलाने के बाद इसमें आधा कप पानी डाल के और ढक के रख दूँगी। बीच बीच में मैं सब्जी चलाती रहूँगी कि मेरी सब्जी लग ना जाए। यहाँ पे मैंने पानी मिला दिया है और सब्जी को ढक दिया है। बीच बीच में चलाते रहें। देखिए दोस्तों, मेरी सब्जी लगभग अभी मेरी सब्जी में 5 मिनट बाकी हैं, लगभग तैयार है मेरी सब्जी। फिर से हम इसे ढक देंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए फ्रेंड्स, मेरी सब्ज़ी बनके तैयार है। यहाँ पे मैं आधा चम्मच गरम मसाला और हरा धनिया फ्रेश मिला दूँगी इसमें। मेरी सब्ज़ी बनके तैयार है। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया, टेस्ट आया। आप बना के ज़रूर देखें कि मेरी सब्ज़ी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।